हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, इन प्रीवियस डेज व्हेन आई वाज वर्किंग, तो आई वाज डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट योर एक्टिविटी नंबर 3। इन कंक्लूजन यू गॉट एन रिजल्ट, यू गॉट दैट रिजल्ट, दैट कंक्लूजन एसिड्स रिएक्ट्स विथ बेसिस एंड न्यूट्रलाइजेज दियर इफेक्ट, कि जब अम्ल को क्षार के साथ रिएक्ट किया जाता है, प्रतिक्रिया की जाती है, तो प्रभाव नगण्य हो जाता है एंड फ्रॉम हियर न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, तो प्रतिदिन का जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन का क्या महत्व है, आइए इसके विषय में इस टॉपिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इनडाइजेशन पाचन क्रिया में अम्ल और क्षार का क्या महत्व है। कि व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, जब हम लोग काफ़ी मसालेदार चीज़ों को खाते हैं, तो द स्टोमक प्रोड्यूसेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादित हो जाता है, विच काउजेज एसिडिटी ऑफ स्टोमक, जो पेट के एसिडिटी के रूप में प्रकट होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनडाइजेशन, और इस स्थिति में इसी होने वाले एसिडिटी के वजह से इसे पाचनहीनता बोलते हैं, खाए हुए चीज़ को ठीक से न पचने वाली स्थिति हो जाती है। तो इट इज पेनफुल, कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टोमिक, इसमें दर्द भी होता है और यह पेट के दीवार को क्षति पहुंचा सकता है। जो एसिड वहां पर इकट्ठा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भारी मात्रा में, जिसको हम लोग एसिडिटी भी बोलते हैं, तो ये पेट के दीवार को क्षति पहुंचा सकता है। तो एंड इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, और इसका अगर नियंत्रण नहीं किया गया, इस पर इसको नहीं रोका गया, तो कैन काउज स्टोमिक अल्सर, तो यह स्टोमिक अल्सर के रूप में भी आगे चलकर यह स्टोमिक अल्सर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन, इसीलिए पाचनहीनता के पाचनहीनता को सुधार के लिए वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड इंटरसीड्स, तो हम लोग थोड़े मात्रा में इंटासीड का इस्तेमाल करते हैं, यह थोड़े मात्रा में क्षारीय चीज़ों को लेते हैं, कॉल्ड इंटासीड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जैसे दूध, इट कॉन्टेन्स मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें थोड़े मात्रा में क्षारीय मौजूद होता है, क्षार मौजूद होता है, तो विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो ज़्यादा बन रहे एसिड के प्रभाव से बचने के लिए यह सहायक होता है। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन, तो ऐसा व्यक्ति जो पाचन क्रिया की गड़बड़ी से पीड़ित है, उसको वह आराम पहुंचाता है। दूसरा टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी से कैसे हम लोग इलाज करेंगे, तो प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल, पौधे मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो पौधे वहाँ नहीं उग पाते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय है या बहुत ज़्यादा क्षारीय है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, ज़्यादा मात्रा में
खाद का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी को अम्लीय बना देता है। और एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ बेसेज सच एज क्विक लाइम और स्लैक्ट लाइम। व्हाट इज कॉल्ड क्विक लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड से निर्मित, और स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिडिक सॉइल का उपचार ऐसे किया जा सकता है क्षारीय चीज़ों के साथ, जैसे क्विक लाइम का इस्तेमाल करें या स्लैक लाइम का इस्तेमाल करें। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाकर अगर मिट्टी में डालेंगे तो वैसे ही मिट्टी पूर्णतः अम्लीय नहीं हो पाएगी और उसमें पौधे उग पाएंगे। तो दीज बेसिस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो मिट्टी में अधिक मात्रा में ये क्षारीय चीज़ जो है अम्लीय चीज़ों को, अम्ल की उपस्थिति को कम कर देगा, एंड हेंस सॉइल बिकम न्यूट्रल। और इस तरह से मिट्टी न्यूट्रल हो जाएगा और पौधे उसमें आराम से अपना ग्रोथ कर पाएंगे। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैनर और कंपोस्ट। ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद का बर्बाद हो जाना कॉल्ड मैनर और कंपोस्ट, जिसको मैनर कहते हैं या फिर कंपोस्ट कहते हैं। ऐसे खाद को जो जैविक खाद होता है, इज एडेड टू द सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक। और जब ज़्यादा क्षारीय हो जाए जहाँ की मिट्टी, तो उसमें हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मैनर का इस्तेमाल करते हैं। मैनर जैसे गोबर से प्राप्त होता है या फिर ऑर्गेनिक है वो, नेचुरली दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो वैसे खाद का इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय क्षार की उपस्थिति की वजह से, जब मिट्टी में क्षार ज़्यादा हो जाता है तो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन इट इज़ टू बेसिक, अगर जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षार है उस मिट्टी में, तो उसको अम्ल बनाने में कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। माइनर्स रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो मैनर से जो एसिड निकलता है वह मिट्टी को क्षारीय बना देता है, इस तरह से बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने के बाद पौधे आसानी से उसमें उग सकते हैं। तीसरा है कि आंट्स एंड बीज स्टिंग, चींटी और मधुमक्खी के डंक। व्हेन आंट्स और बीज स्टिंग बाइट ए पर्सन, जब चींटी या मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन। तो वह उस व्यक्ति के त्वचा में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, अपने डंक के माध्यम से वह उसमें डाल देता है, उसके स्किन में क्या फॉर्मिक एसिड को डाल देता है। विच काउजेज पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग, तो जो कारण बन जाता है उसके दर्द का, जलता हुआ महसूस होता है और उसमें स्वेलिंग होने लगता है, पानी भर जाता है, जिसके वजह से सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आता है? क्योंकि चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे वह किसी भी व्यक्ति को काटते वक्त इंजेक्ट कर देता है, और ये इंजेक्ट किया हुआ जो फॉर्मिक एसिड है वो किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, जिससे उसे पीड़ा होती है, जलने जैसा पीड़ा होता है और सूजन हो जाता है। तो दी इफेक्ट ऑफ द स्टिंग्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो ये जो प्रभाव है डंक मारने वाली, ये जो प्रभाव है डंक मारने के बाद जो प्रभाव पड़ता है, तो उसको रगड़ने से एक माइल्ड बेस
लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में जैसा माइल्ड मतलब हल्के रूप में क्षार चीज़ों को मिलाया जाता है, वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है उसमें अगर उस चीज़ को रगड़ दिया जाए तो। बेकिंग सोडा में होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना है बेकिंग सोडा, और कैलमिन सोल्यूशन यानी कि जिंक कार्बोनेट ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, त्वचा के उस हिस्से में जहाँ पर चींटी या मधुमक्खी ने काट लिया हो, वैसे स्थान पर अगर रगड़ने का काम करते हैं, क्या लोहे से रगड़ देते हैं या किरोसिन तेल लगा देते हैं उसमें, तो उसमें आयरन में या फिर उसमें जिंक कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसके वजह से दिस रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड पेन, जिससे यह काटे हुए स्थान का दर्द और सूजन कम कर देता है। चौथा टॉपिक है कि फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री वेस्ट्स, द वेस्ट्स सबस्टांस डिस्चार्ज बाई मैनी फैक्ट्रीज कॉन्टेन एसिड्स। बहुत से फैक्ट्रियों से निकलता हुआ पदार्थ जो है वो अम्लीय होता है। इफ दिस अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर बॉडीज पॉन्ड्स लेक एंड रिवर्स, और यही फैक्ट्री से निकला हुआ जो ये एसिड है उसको किसी प्रकार का सावधानी न बरतते हुए सीधा तालाब में, झरनों में और नदियों में बहा दिया जाए तो देन द एसिड्स प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट्स विल किल द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर बॉडीज। तो पानी में मौजूद जो जलीय जीव जंतु हैं जैसे मछली है और दूसरे जीव जंतु हैं, तो एसिड के उपस्थिति की वजह से वे मर जाएंगे, बिकॉज एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर दोज टाइप ऑफ क्रिएचर, दोज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड लिव्स इन पॉन्ड लेक्स एंड रिवर। सो फैक्ट्री वेस्ट्स शुड बी ट्रीटेड विथ बेसिक सबस्टेंसेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। इसलिए फैक्ट्री अपने अतिरिक्त चीज़ों को, जिन पदार्थों से उसका काम नहीं है, उसको पहले अम्लीय को क्षारीय में बदल देता है, और क्षारीय में बदलने की वजह से, क्षार मिलाने से क्या है, उसका जो वेस्टेज पदार्थ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और तब इस तरह से वह पानी में उसे वेस्ट कर सकता है, और पानी में इस तरह के वेस्टेज को वेस्ट करने से, बिफोर ट्रीटमेंट कर लेने से क्या है कि जल जीव जंतुओं का जीवित रहेंगे ये और इनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्री से निकला हुआ जो गंदे पदार्थ हैं उसमें अम्ल की मात्रा मौजूद होती है, और जब उसको नदी तालाब में बहा दिया जाता है तो उससे जलीय जीव जंतु को, मछली को, मेंढक को, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है, और इतना हार्म पहुंचाता है कि वह मर भी सकते हैं। तो हियर इज योर चैप्टर फिनिश्ड, एंड नेक्स्ट आई शैल मीट यू फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू टू हियर मी केयरफुली।